मिक्सर मिश्रण का ये सवाल आइए हल करते हैं, चुटकियों में हल करेंगे। एक मिश्रण में तरल ए और बी का अनुपात 7:5 है, यहाँ पर देख रहे हैं। जब 9 लीटर मिश्रण को समान मात्रा में तरल बी से बदल दिया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक इनी टाइटल जो है वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान रहे, जब मिश्रण में ए या बी किसी एक में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी मात्रा सेम रहेगी। जैसे ए में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन सिर्फ ए में होगा, बी की मात्राएं सेम रहेगी। बी में परिवर्तन किया जाता है तो ए की मात्रा सेम रहेगी। तो वो यही कॉन्सेप्ट है। तो ए और बी का जो है अनुपात दिया है 7:5, और 9 लीटर मिश्रण को समान मात्रा में तरल बी से बदल दिया जाता है, मतलब जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही बदल दिया जाता है, बी से बदल दिया जाता है, तो अनुपात 7:9 हो जाता है। यानी बी से बदल दिया जाता है तो चेंजेस सिर्फ बी में होंगे, ए की मात्रा सेम रहेगी, और ऑलरेडी यहाँ पे ए की मात्रा 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यानी चेंजेस नहीं हुआ है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। चेंजेस जो हुआ है बी में हुआ है, तो 5 है और 9 हो गया, चेंजेस कितना हुआ है 4, तो 4 की वैल्यू दिया है 9 लीटर। तो जाहिर सी बात है कि एक की वैल्यू होगी 9/4। अब हमें पूछ रहा है मिश्रण की प्रारंभिक इनिटाइटल मात्रा। देखिए, जहाँ पर भी ये प्रारंभिक इनिटाइटल मात्रा दिया हो ज्ञात करने के लिए, तो प्रारंभिक में यह मात्रा नहीं लीजिएगा, पुराना वाला ए और बी का यह मात्रा लेते हैं 7 और 9, इनिटाइटल वैल्यू ये। तो 9/4 जो है एक की वैल्यू है, तो 9 और 7 तो 16, 16 की वैल्यू होगी 7 और 9 16, 16 की वैल्यू होगी, तो 4 चौका 16 और 9 और 4 में गुणा कीजिएगा तो 36, यानी प्रारंभिक मात्रा जो है 36 लीटर थी। ए और बी की जो है प्रारंभिक मात्रा, ध्यान रहे हर समय प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा था तो हम लोग पुरानी पहले वाला देते थे, लेकिन चूंकि यहाँ इनी टाइप टल जो है मात्रा पूछ रहा है, इसलिए हम नए वाला मात्रा का ज्ञात करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखेंगे, चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं, पकड़ लिए हैं तो।